अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत, मेरा सवाल यह है कि हमें जो स्कूलों में स्कॉलरशिप मिलता है तो क्या वो हम ले सकते हैं या नहीं, इसकी वजाहत फरमाएं। अतबार में तो याद है कि उस स्कूलों में स्कॉलरशिप मेला यह जायज़ अत परवा कहें यह हूँ तुम रटित। लेकिन हाँ, एक कथ याद है कि अगर स्कूल के तरफ या गवर्नमेंट के तरफ यह स्कॉलरशिप ओ सिर्फ गरीबन खतर तेल मालदारस खतर साहिब वसत तस खतर जायज़ रटन कहें। लेकिन अगर तुमों आम उस थोमत चाहे सो रट चाहे गरीब ऐसे मालदार ऐसे तेल है हर कह पार्न वोल स्कूलों मजन कालेज ऐसन सह हम चीज रटित तम परवा कह शरीत जायज़। हज़रत, मेरा सवाल यह है कि अगर दो रकातें छुट्टी हों और उन्हीं दो रकात में इमाम साहब को गलती हुई हो और इमाम साहब ने आखिर में सजदे सहव किया तो क्या हमें भी सजदे सहव करना है या नहीं, इसकी वजाहत फरमाएं। अदबार में तो याद है कि इमाम साहबस अगर तुम रकात यम रकात तो शामिल गुत कहें तुम्हन मज सजदे सहव गो या तुम रकात यमन में तो शामिल गो तमन मज कह गलती गई पत् कौर तम सजदे सहव दोनवें सूरतों मज तो सजदे सहव कर कुन सा चीज़ सूरत पेश कि इमाम साहबन फिर एक तरफ सलाम और इस सोचा कि मे रकात रोद पर्ने खड़ा वथित और इमाम साहब सजदस मज या सजद साहु तरीक एक तरफ सलाम फिर पत् सजद वो अगर यह खड़ा गोमुत वथित अमस वापस वसुन और इमाम साहबस सजद साहुस मे गामिल सजद साहु अमस पे लाजम तो चाहे यह तुम रकात में शामिल उस या शामिल उस कहें दोनवें सूरतों में अमस सजद साहु वाजिब गानि इमाम साहबस सम्स सजद साहु कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मुझसे मेरा सवाल यह है कि हमारी मस्जिद में अजान पढ़ने के लिए बाहर कोई जगह मखसूस नहीं है बल्कि हम मस्जिद के अंदर ही माइक पर अजान पढ़ते हैं, क्या हम मस्जिद के अंदर अजान पढ़ सकते हैं यानी इसकी वजाहत फरमाएं और ये जायज़ भी है यानी इसको भी बोलें। अदबार में तो याद है कि असली शरीयत हुकुम ओ सोस के नेबर पर अजानस वजह ओस यह कि अजान ये नेबर पर इंसान सोस वारियन लूकों निश वातास मगर चूंकि आज से माइक और माइक सो यो जरूरत ओस नेबर पढ़ने च सो आज माइक जरिए पूर गसा कि तमाम लूकन तीन गमच आवाज वात अम मूजूब मस्जिद अंदर हक इंसान अजान पढ़ परवा कहें क्या कि अम मूजूब इवान पढ़ने के ना नेबर कि अजान ताकि आवाज वह वारे निश वो आज सो माइक काम कर अम मूजूब मस्जिद अंदर अगर तुम लगित क्या यह माइक तो तुम हूँ तथा पे अजान पढ़ तथा परवा कहें। अज़र, मेरा दूसरा सवाल यह है कि बग़ैर वज़ू के अजान दे सकते या नहीं, बग़ैर वज़ू से अजान दिन मकरूह बग़ैर वज़ू गस अजान दिन कहें अजान गस वज़ू दिथ कर अदब तकाशी व अगर मस्जिद में चु तुम क्या माइक लगे तो मस्जिद में चु तुम बग़ैर वज़ू यह बिल्कुल तो जायज़ कहें कर हाथ से अम नश ग इंसान परहेज़ करूनस।